मैं सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिल्टर्स विद आवर यूट्यूब चैनल टेक ट्रिप्स। दोस्तों आज मैं फिर आ गई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। गाइस पिछले साल जहाँ क्रिप्टो करेंसी के लिए इतना अच्छा रहा है, वहीं क्रिप्टो से रिलेटेड स्कैम्स भी बहुत ज्यादा हुए। ये स्कैम्स तो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स बड़े पैमाने पर फ्रॉड का शिकार हो गए। देश की मेन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने घोटाले के संबंध में क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस को नोटिस जारी किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तानियों को 100 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। फ्रॉडस्टर्स ने पाकिस्तानी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को $100 और $80,000 या प्रति व्यक्ति औसतन $2,000 के बीच एक मोबाइल ऐप द्वारा भेजा। निवेशकों ने आग्रह किया है कि वे बाइनेंस में रजिस्टर करें और बाइनेंस वॉलेट से पैसे को एप्लीकेशन से जुड़े खातों में ट्रांसफर करें। 20 दिसंबर को कई यूजर्स ने अथॉरिटीज से संपर्क किया, जिन्होंने शिकायत की है कि लगभग एक दर्जन ऐप ने अचानक काम करना ही बंद कर दिया था। ऑफिशियल्स ने विस्तार से बताया है कि जांच के दौरान ये पाया गया है कि MCX, HFC, FX Copy, OK Mini जैसे काफी यूजर्स के फर्जी खाते बाइनेंस वॉलेट से जुड़े थे। हर एक के पास अप्रोक्स 5,000 ग्राहक थे। फिया ने पाकिस्तान के लिए बाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव हमजा खान को नोटिस जारी किया है और उन्हें 10 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए भी बुलाया है। फिया यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का दावा है कि उन्होंने बाइनेंस में 26 वॉलेट पतों की पहचान की है, जिसका इस्तेमाल पैसे ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। एजेंसी ने कहा है कि इन ब्लॉकचेन वॉलेट खातों का डिटेल्स देने के लिए, साथ ही साथ उन्हें डेबिट करने के लिए बाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड को एक लेटर भी लिखा गया है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो तो आपको पसंद आया होगा, और मैं आपको सलाह देती हूँ कि ट्रेडिंग, बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड हर डिसीजन सोच समझ कर ले, क्योंकि आजकल ये स्कैम्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अभी भी आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं समीरा आप सभी से लेती हूँ इजाजत। अलविदा, बाय बाय।